ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते हरिओम। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओम ओम। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली है 4 अक्टूबर 2020, जो बाबा ने सुनाई थी 29 मार्च 1986। मीठे मीठे बाबा के महावाक्य। आज का विषय है डबल विदेशी बच्चों से बाप दादा की रूह रिहान। डबल विदेशी, डबल विदेशी किसको कहेंगे, डबल विदेशी किसको कहेंगे? हम सब आत्माएं विदेशी हैं। कहाँ से आए हैं? परम धाम से। डबल विदेशी माना जो परम धाम से भी आए हैं और जो भारत से बाहर दूसरे देश से आए हैं। ठीक है, डबल विदेशी समझ में आया? परम धाम से भी आए, एक विदेश हो गया, अब दूसरे देश से आए तो डबल विदेशी। हम तो अपने देश में बैठे हैं, उनसे बाबा रूह रिहान कर रहे हैं, उन आत्माओं से बाबा का मिलना, बातचीत करना। आज बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को वतन में इमर्ज कर, कहाँ इमर्ज कर रहे हैं? वतन में इमर्ज कर रहे हैं। सभी बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे, सभी बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे, क्योंकि सभी बच्चे विशेष आत्माएं हैं, तभी बाप के बने। इतनी बड़ी दुनिया में से एक एक को चुनना विशेष आत्मा है ना, तभी तो उनको चुना है, तभी तो वो बाप के बने हैं, अर्थात श्रेष्ठ भाग्यवान बने हैं। इससे बड़ा श्रेष्ठ भाग्य क्या होगा कि उन्होंने भगवान को पहचान लिया। विशेष सभी हैं, फिर भी नंबर एक बराबर दो आत्माएं तो हो नहीं सकती, उनके अवस्था में तो अंतर रहेगा ना। तो आज बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को विशेष रूप से देख रहे थे। थोड़े समय में, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, थोड़े समय में चारों ओर के भिन्न भिन्न रीति रसम व मान्यता होते हुए भी एक मान्यता के एक मत वाले बन गए। बाप दादा विशेष दो विशेषताएं मेजोरिटी में देख रहे हैं, एक तो स्नेह के संबंध में। दो विशेषताएं कौन सी देख रहे हैं मेजोरिटी में? एक तो स्नेह के संबंध में, प्यार, बाबा के प्रति प्यार, बहुत जल्दी बंध गए बाबा के स्नेह के संबंध में, बहुत जल्दी बंध गए। स्नेह के संबंध में ईश्वरीय परिवार का बनने में, बाप का बनने में अच्छा सहयोग दिया है, अच्छा सहयोग दिया है। तो एक स्नेह में आने की विशेषता, दूसरा स्नेह के कारण
परिवर्तन शक्ति सहज प्रैक्टिकल में लाया, सहज प्रैक्टिकल में लाया। क्या प्रैक्टिकल में लाया? स्व परिवर्तन और साथ साथ हम जिंस माना अपने साथियों को, दोस्तों को, मित्रों को, हम जिंस के परिवर्तन में अच्छी लगन से आगे बढ़ रहे हैं। खुद को तो सुधार रहे हैं परंतु उसके साथ साथ किनको कल्याण कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि नियम है हमारी संस्था का, बाबा की पढ़ाई का, कि अपना तो कल्याण करना है और अपने हम जिंस का भी कल्याण करना है, क्योंकि उनके कल्याण में ही हमारा कल्याण है। अकेले हमारा कल्याण नहीं हो सकता। तो स्नेह की शक्ति और परिवर्तन करने की शक्ति, एक तो स्नेह की शक्ति, बाबा से प्यार है उनको, ये शक्ति कैसे बनता है? जब हम बाबा के प्यार के अनुभवी बनते हैं, तब वो हमारी शक्ति बनती है। उन्होंने बाबा के प्यार को अनुभव किया है और फिर परिवर्तन करने की शक्ति, फिर उन्होंने ये भी अनुभव किया कि हम इस ज्ञान के आधार पर अनेकों का परिवर्तन कर सकते हैं। ये दोनों अनुभव किए हैं, तब ये दोनों उनकी क्या बन गई हैं? शक्ति। इन दोनों विशेषताओं को हिम्मत से धारण कर अच्छा ही सबूत दिखा रहे हैं। हमें तो नहीं कह रहे ना, वो दिखा रहे हैं, उनके लिए कह रहे हैं, सबसे कह रहे हैं। हम भी ऐसे रख सकते हैं, हमें बता रहे हैं कि ऐसे भी तुम भी कर। आज वतन में बाप दादा आपस में बच्चों की विशेषता पर रू रिहान कर रहे थे। कौन रू रिहान कर रहे थे? बाप भी और दादा भी, ब्रह्मा बाबा भी, और कहां पर बैठकर कर रहे थे? कौन से वतन में? क्या परम धाम में? कहां कर रहे थे? सूक्ष्म परम धाम में। ब्रह्मा बाबा नहीं जा सकते, तो दोनों का सूक्ष्म वतन है नहीं, फिर कहां बैठे हैं भी? सूक्ष्म वतन है नहीं, फिर कहां बैठे हैं? बैठने की जरूरत ही नहीं उनको, पहले बता दिया सूक्ष्म वतन में कुर्सियां को नहीं रखी, कोई गद्दे या सोफा कुछ नहीं रखा हुआ, और बैठने की उनको कोई जरूरत ही नहीं। सूक्ष्म अवस्था ही सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म वतन को या परम धाम को कोई स्थान की जरूरत नहीं। आप जहां हैं वहीं आप सूक्ष्म वतनवासी बन सकते हैं। सूक्ष्म वतन को कोई स्थान की जरूरत नहीं कि सूरज चांद सितारों के पार कहीं जाएं और वहां जाकर के कुर्सियां रखी होंगी या कोई जगह बनी होगी जहां हम जाकर बैठेंगे, ये संकल्प करना ही वेस्ट है। वेस्टेज ऑफ टाइम है, समझ रहे हैं? इस मुरबात को बहुत क्लियर बाबा ने 1970 की मुरली में बहुत बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया कि अब सूक्ष्म वतन जाने और आने में समय वेस्ट मत करो। इस व्यक्त वतन को अव्यक्त वतन बना दो। तो रू रिहान कौन कर रहे हैं? बाप भी और दादा भी। अभी इस वर्ष के अव्यक्त का
व्यक्त वतन में मिलने का सीजन कहो वा मिलन मेला कहो समाप्त हो रहा है। अव्यक्त का व्यक्त में, अव्यक्त कौन हो गया? ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, ये दोनों इस यहां पर व्यक्त में आकर मिले, इसका सीजन क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है। क्योंकि गर्मियों में और पानी की कमी हो जाती है, तो शुरू से ही ये अक्टूबर से लेकर मार्च तक बाबा मिलन के प्रोग्राम रहते आए। तो बाप दादा सभी की रिजल्ट को देख रहे थे। वैसे तो अव्यक्त रूप से, अव्यक्त स्थिति से सदा का मिलन है ही। आप यदि सूक्ष्म वतनवासी हैं, अपना सूक्ष्म अवस्था बनाई हुई है, फरिश्ता बने हुए हैं, तो आप सदा बाप दादा से मिलन मना सकते हैं। वो सदा है ही और सदा रहेगा भी, लेकिन साकार रूप द्वारा मिलन मनाने का समय निश्चित करना पड़ता है। क्योंकि साकार में तो सबको इकट्ठा भी होना है, सबके रहने की व्यवस्था भी करनी है, और इसमें समय की हद रखनी पड़ती है। अब दादी का तन जितनी देर इजाजत देगा उतनी देर बाबा मिलन मनाएंगे। कभी होता था 16 घंटे, 20 घंटे, 12 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे भी बाबा का दादी के तन में बैठे हुए हैं, बाकी सब खा रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, और दादी के तन में बाबा बैठे। इतनी वंडरफुल बात, एक एक से बाबा मिलते थे, एक एक से पर्सनल 15 मिनट आधा घंटा बात करते थे। वो पालना दी है। मुरली खत्म होते ही हम चले जाते थे खाना खाने, ठीक है, हमें टर्न मिल गया, हमें बता दिया इस टाइम आपने आके मिलने, कोई रोकता नहीं था, और जाओ जिसको जाना है जहाँ जाओ, बैठना है बैठो, पीछे बैठे रहो, और जाना है जाओ, अपना खाना वाना खा के आ जाओ। हमारा फर्स्ट टाइम जो है ना 9 से 9:30 का था, और 9 बजे आप बाबा से मिलेंगे, 9 बजे से पहले गेट पर आ जाना है, सिर दर्द खत्म। मुरली पूरी हो गई, 6 बजे मुरली शुरू की, 7:30, 7 बजे, 8 बजे, हाँ तो 8 बजे तक जो है ना फ्री कर दिया हमें, 1 घंटे का हमें टाइम मिल गया। बाकियों का जिनका टाइम 8 से 8:30 था, उनको पहले पहले भी मिल लो, 8:30 से 9, 9 से आधे आधे घंटे का टाइम देते थे। तो उस आधे घंटे में ओम शांति भवन जो ऊपर है, वहाँ हम 15-20 जने थे, दिल्ली से जाने वाले सारे, वे दिल्ली जोन वाले 9 से 9:30 आएंगे, बस ऐसे ही हम जाकर आगे बैठ गए। बीच में ये टेबल नहीं थी, बस आगे जाकर के हम नीचे बाबा के सामने, जैसे अब दादियां बैठती थी, ऐसे ही आगे जाके बैठ गए। दिल्ली वाले हमसे बाबा ने मुलाकात की, 15-20 मिनट, 5-7 मिनट बैठने में, 5-7 मिनट जाने में, 15-20 मिनट जो ना बाबा ने हम सबके साथ, फिर हम उठ के चले गए, दूसरे आ गए। ऐसे ही जो ग्रुप थे वो ग्रुप मिलते रहे, और दादियाँ अपना अनुभव सुनाती हैं कि हम जाके सो जाती थी, सवेरे अमृत वेला करने आते थे, देखते थे बाबा अभी बैठे हुए हैं, दादी अभी बैठी हुई है, मिल रहे हैं, फिर मुरली चालू हो गई। ऐसे आप देखते ना, बीच में कभी कोई लास्ट में फिर मुरली सवेरे शुरू हो जाती थी, ये उस समय होता था। जो जितना चाहे मिलन मना सकते हैं, नहीं अव्यक्त रूप के दादी के तन में देखा, ठीक है ना, तो जो जितना चाहे मिलन मना सकते हैं। अव्यक्त मिलन तो आप जितना समय चाहो ना मिला सकते हो। अव्यक्त शक्ति की अनुभूति कर स्वयं को, सेवा को सदा आगे बढ़ा सकते हो। अव्यक्त शक्ति की अनुभूति कर, जिसने ये अनुभव कर लिया कि ऐसे हम सूक्ष्म वतन वासी न्यारे प्यारे फरिश्ता बन सकते हैं, वो तो हमेशा अनुभव कर सकते।
अव्यक्त शक्ति मतलब सूक्ष्म अवस्था के अनुभवी, सूक्ष्म अवस्था के अनुभवी, तब वो हमारी शक्ति है ना, कि हम बार बार सूक्ष्म वतनवासी बन सके, अनुभूति कर स्वयं को, सेवा को सदा आगे बढ़ा सकते हैं। जो फरिश्ता स्टेज की स्थिति को अनुभव कर लेते हैं वो अपने को भी आगे बढ़ा सकते हैं और सेवा को भी सदा आगे बढ़ा सकते हैं। फिर भी निश्चित समय के प्रमाण इस वर्ष की ये सीजन समाप्त हो रही है, आखिरी बाबा का मिलन है 86 का, लेकिन समाप्त नहीं है, संपन्न बन रहे हैं। मिलना अर्थात समान बनना। बाबा से मिलने का मतलब क्या है? बाप समान बनना, समान बने ना, तो समाप्ति नहीं है। भले सीजन का समय तो समाप्त हो रहा है लेकिन स्वयं समान और संपन्न बन गए, इसलिए बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को वतन में देख हर्षित हो रहे थे। किनको देख रहे हैं? कौन से डबल विदेशी? चारों ओर के सभी देशों के डबल विदेशी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि साकार में तो कोई आ सकता है कोई नहीं आ सकता, इसलिए वो अपना फोटो भेज देते हैं, बाबा को दिखा देना ये वाला बच्चा नहीं आया, समझ रहे हैं बात को, या पत्र भेज देते, बाबा को हमारा पत्र दे देना, हम तो नहीं जा सकते क्योंकि सबके पास तो पैसों की सुविधा नहीं हो सकती ना, चाहे कोई भी देश हो, वहां पर हर प्रकार के बच्चे हैं, अमीर भी हैं तो गरीब भी हैं, लेकिन अव्यक्त रूप में बाप दादा चारों ओर के संगठन, ये शब्द है, संगठन को, सारे जितने भी बच्चे हैं चारों ओर के संगठन को सहज इमर्ज कर सकता है। कहां पर, कहां इमर्ज कर सकता है? सूक्ष्म वतन। अगर यहां सभी को बुलावें तो फिर भी रहने आदि के सब साधन चाहिए, इतने सारे सभी देशों के बच्चों को हम मधुबन में बुलावें तो उनके रहने के लिए सब के साधन चाहिए, ठीक है। अव्यक्त वतन में तो इन स्थूल साधनों की कोई आवश्यकता नहीं, कोई कुर्सियां नहीं इकट्ठी करनी, बैठने की, सोने की, खाने की, पीने की, कोई भी संसारिक व्यवस्था को करने की जरूरत, वहां तो सिर्फ डबल विदेशी क्या, लेकिन सारे भारत के बच्चे भी इकट्ठे करो तो ऐसे लगेगा जैसे बेहद का अव्यक्त वतन, बेहद का सूक्ष्म वतन। वहां भले कितने भी लाखों हों, करोड़ों हों, फिर भी ऐसे ही लगेगा जैसे छोटा सा संगठन दिखाई दे रहा है। कितने भी आत्माओं को हम सूक्ष्म वतन में बुला सकते, तो आज वतन में सिर्फ डबल विदेशियों को इमर्ज किया था, बाप दादा देख रहे थे कि भिन्न भिन्न रस्म रिवाज होते हुए भी, अलग अलग देश की रस्म अलग, रिवाज अलग, होते हुए भी दृढ़ संकल्प से प्रगति अच्छी की है, दृढ़ संकल्प से प्रगति अच्छी की है, मेजोरिटी उमंग उत्साह में चल रहे हैं। कोई खेल दिखाने वाले होते ही है, कोई कोई बच्चे कैसे होते हैं, खेल दिखाने वाले, लेकिन रिजल्ट में ये अंतर देखा कि अगले वर्ष तक, मतलब पिछले वर्ष तक कंफ्यूज ज्यादा होते थे,
पिछले वर्ष तक बच्चों में कंफ्यूज रहता था, डाउट रहते थे, लेकिन इस वर्ष की रिजल्ट में कई बच्चे पहले से भी मजबूत देखे। कोई कोई बाप दादा को खेल दिखाने वाले बच्चे भी देखे, कंफ्यूज होने का भी खेल करते हैं ना, उस समय का वीडियो निकाल बैठ देखो तो आपको बिल्कुल ड्रामा लगेगा। जिस समय वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें, किधर जाएं, इधर जाएं कि उधर जाएं, ये करें या वो करें, लेकिन पहले से अंतर है। अभी अनुभवी बने हुए गंभीर भी बन रहे हैं तो ये रिजल्ट देखी कि पढ़ाई से प्यार बच्चों को क्या है, पढ़ाई से प्यार और याद में रहने का उमंग, भिन्न भिन्न रीति रसम रिवाज मान्यता को सहज बदल देता है। बाबा से पढ़ने का प्यार, बाबा के डायरेक्शन पर चलने का उमंग क्या करता है, चाहे वो कैसे भी रीति कैसे भी रस्म कैसी भी मान्यता वाले थे, उनको सहज बदल दिया, सहज बदल दिया। भारतवासियों को परिवर्तन होने में सहज है क्योंकि देवताओं को जानते हैं, शास्त्रों के मिक्स नॉलेज को भी जानते हैं, तो मान्यताएं भारतवासियों के लिए इतनी नवीन नहीं है। मान्यताएं भारतवासियों के लिए इतनी नवीन नहीं है, फिर भी टोटल चारों ओर के बच्चों में ऐसे निश्चय बुद्धि अटल अचल आत्माएं देखी, अटल अचल आत्माएं देखी, ऐसे निश्चय बुद्धि औरों को भी निश्चय बुद्धि बनाने में एग्जाम्पल बने हुए हैं। प्रवृत्ति में रहते भी पावरफुल संकल्प से दृष्टि वृत्ति परिवर्तन कर लेते हैं, कहाँ रहते हैं, प्रवृत्ति में, परिवार में रहते पावरफुल संकल्प है, पावरफुल संकल्प से क्या करते हैं, अपनी दृष्टि बदलते हैं, अपनी वृत्ति बदल लेते हैं, दृष्टि बदलते हैं, वृत्ति वृत्ति माना व्यवहार। वे भी विशेष रतन देखे, कई ऐसे भी बच्चे हैं जो जितना ही अपनी रीति प्रमाण अल्पकाल के साधनों में अल्पकाल के सुखों में मस्त थे, ऐसे भी रात दिन के परिवर्तन में अच्छे तीव्र पुरुषार्थियों की लाइन में चल रहे। कहां वो अपने संसारिक अल्पकाल के सुख साधनों में इतने लिप्त थे और आज उन सब को छोड़कर तीव्र पुरुषार्थियों की लाइन में चल रहे। कौन चल रहे हैं, विदेशी बच्चे, भारत वाले बच्चे तो अपना वही है, ठीक है। चाहे ज्यादा अंदाज ना भी हो लेकिन फिर भी अच्छे हैं, उनकी संख्या ज्यादा नहीं है, अंदाज का मतलब क्या है, उनकी संख्या ज्यादा नहीं भी है लेकिन फिर भी अच्छे हैं। जैसे बाप दादा झाटकू का दृष्टांत देते हैं, क्या होता है झाटकू भाई, झटका क्या, झटका क्या, एक हलाल करके काटा जाता है, एक झटके से काटा जाता है, तो बाबा को कौन पसंद है, झाटकू पसंद, एक झटके से बाबा के बन जाए बस, बाकी क्या होता है, धीरे धीरे मर रहे हैं। अच्छा थोड़ा सा बाबा तेरा कहना मान लेते हैं, बाकी क्या करें, मजबूरी है, घर है, परिवार है, गृहस्थी है, समस्याएं हैं, जिम्मेवारियां हैं, फिर अच्छा बाबा थोड़ा सा और मान लेते हैं, अच्छा बाबा थोड़ा सा और मान लेते हैं,
और इस प्रकार से वो हलाल हो रहे हैं, धीरे धीरे मर रहे हैं, है ना, झटके से मरे। मैंने देखा एक हमारे वो मिले थे भोंसी के, तहसीलदार थे वो, भोंसी में रहते थे, उनसे मुलाकात हुई। उसने शेर का भी शिकार किया हुआ था, बोला देखो मैंने ये शेर मारा था, और तहसीलदार होने के कारण उसके पास बहने गई एक दिन कि बिना आपने हमारे इस रैली का उद्घाटन करना, कहता बस बहनों को देखा, उनके व्यवहार को देखा, मुझे ऐसे लगा कि ये देवियां हैं बस, और इनसे मिलना ही मेरे जीवन का सफल होना है, आज के बाद ड्रिंक खत्म, सारी बोतलें आकर तोड़ दी, मांस खाना बंद, झटके से एक ही दिन में परिवर्तन। ऐसे मन से त्याग का संकल्प करने के बाद फिर आंख भी ना दबे, ऐसे मन से संकल्प कर दिया कि आज के बाद ये सब खत्म तो खत्म, फिर कभी संकल्प भी ना आए, एक पैग लास्ट तो ले लेता, नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए थे। आखिरी तो होना चाहिए ना, फिर तो लेना नहीं है। आंख भी ना डूबे, आज टोटल रिजल्ट देख रहे थे, शक्तिशाली आत्माओं को देख बाप दादा मुस्कुराते हुए रू रिहान कर रहे थे, हर आत्मा से मुस्कुराते हुए रू रिहान कर रहे थे कि ब्रह्मा की रचना दो प्रकार की गाई हुई है, एक ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, दूसरी रचना ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रचे। ब्रह्मा के बारे में दो बातें शास्त्रों में प्रचलित है, दुनिया वाले गाते हैं, एक तो ब्रह्मा के मुख से क्या निकले, ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, पेट से वैश्य, जांघा से शूद्र, और हम समझते थे ऐसे निकल आते होंगे, मशीन होगी, टांगों में मशीन लगी होगी, फटाफट बाहर निकल आते होंगे, मुंह से ऐसे बाहर निकल आते होंगे। दूसरी रचना ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, तो ब्रह्मा बाप ने कितने समय से श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प किया है, सारे विश्व की आत्माओं को संकल्प से ब्रह्मा कुमार बनाने में सहयोग दिया, तो बाप दादा दोनों ही फिर भी रचना के लिए शिव की रचना नहीं कहेंगे, शिव वंशी कहेंगे, शिव की रचना नहीं होती है, शिव वंशी कहेंगे, शिव कुमार शिव कुमारी नहीं कहेंगे, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहेंगे, परंतु शिव कुमार शिव कुमारी नहीं, क्योंकि शिव के तो हम आत्माएं बच्चे हैं, आत्मा ना कुमार कहलाती है और ना कुमारी कहलाती है, शरीर स्त्री का है तो कुमारी, शरीर पुरुष का है तो कुमार, परंतु बाबा आकर आत्मा को देखते हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहेंगे तो ब्रह्मा ने विशेष श्रेष्ठ संकल्प से आह्वान किया अर्थात रचना रची, तो ये ब्रह्मा की शक्तिशाली संकल्प से आह्वान से साकार में पहुंच गए। ऐसे ही आपने भी सर्व आत्माओं को रोजाना क्या करना है, आह्वान करना है कि आओ और अपने पिता परमात्मा से अपना हक, और हक लेने के लिए वो कहां जाएं, प्रजा पिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, ये उनको एड्रेस देना है, समझाना है। संकल्प की रचना भी काम नहीं है, मतलब जो ब्रह्मा बाबा के निमंत्रण पर आए उन्होंने उनको बाबा ने कहा कि आपको ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर
जाना है। जैसे संकल्प शक्तिशाली है तो दूर से भिन्न भिन्न पर्दों के अंदर, भिन्न भिन्न पर्दे दीवारों के पीछे से बच्चों को अपने परिवार में लाना था। श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प ने प्रेर कर समीप लाया। ब्रह्मा बाबा के श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प ने प्रेरणा देकर यज्ञ के समीप, इसलिए यह शक्तिशाली संकल्प की रचना भी शक्तिशाली है, कईयों का अनुभव भी है। जैसे बुद्धि को विशेष कोई प्रेर कर समीप ला रहा है। आप रोजाना बैठकर जिन आत्माओं को साकाश देंगे उन आत्माओं को लगेगा कि हमें कोई कह रहा है, हमें कोई कह रहा है। प्रेरणा आ रही है कि हमें भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाना चाहिए। ब्रह्मा के शक्तिशाली संकल्प के कारण ब्रह्मा के चित्र को देखते ही चैतन्यता का अनुभव होता है। चैतन्य संबंध के अनुभव से आगे बढ़ रहे हैं तो बाप दादा रचना को देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा क्या हो रहे हैं? हर्षित हो रहे हैं। अभी आगे और भी शक्तिशाली रचना का प्रत्यक्ष सबूत देते रहेंगे। इतने से काम नहीं चलेगा, और भी आगे क्या देते रहेंगे? डबल विदेशियों की सेवा के समय के हिसाब से अब बचपन का समय खत्म हुआ, बचपन नहीं रहा। अब अनुभवी बन औरों को भी अचल अडोल बनाने का, अनुभव कराने का समय है। अभी खेल करने का समय समाप्त हुआ। अब सदा समर्थ बन निर्बल आत्माओं को समर्थ बनाते चलो। आप लोगों में निर्बलता के संस्कार होंगे, आप ही कमजोर होंगे। आपके संस्कार निर्बलता वाले होंगे तो दूसरों को भी निर्बल बनाएंगे। समय कम है और रचना ज्यादा से ज्यादा आने वाली है। इतनी संख्या में ही खुश नहीं हो जाना कि बहुत हो गए, अभी तो संख्या बढ़नी ही है। लेकिन जैसे आपने इतना समय पालना ली, जिस विधि से आप लोगों ने पालना ली, अब वो परिवर्तन होता जाएगा। क्या होता जाएगा? जैसे 50 वर्षों की पालना वाले गोल्डन जुबली वाले में और सिल्वर गोल्डन जुबली वालों में, सिल्वर जुबली वालों में अंतर रहा ना, ऐसे पीछे आने वालों में अंतर होता जाएगा। जितनी पालना आपने ली, आप फिर भी मधुबन जाके बाबा से मिल सके, बाद वाले तो नहीं मिल सके, और आगे मिल भी शायद सके। पीछे आने वालों में अंतर होता जाएगा तो थोड़े समय में जिन्हें शक्तिशाली बनाना है, स्वयं उन्हों की श्रेष्ठ भावना तो होगी ही, लेकिन आप सभी को भी ऐसे थोड़े समय में आगे बढ़ने वाले बच्चों को अपने संबंध और संपर्क का सहयोग देना ही है, देना ही है, जिससे उन्हों को सहज लगे, आगे बढ़ने का उमंग और उत्साह हिम्मत हो। सहज लगेगा तो उमंग उत्साह बढ़ेगा। अब ये सेवा बहुत होनी है, सिर्फ अपने लिए शक्तियां जमा करने का समय नहीं है। अब अपने लिए शक्तियां जमा करने का समय नहीं है,
अपने लिए तो टाइम खत्म हो गया, लेकिन अपने साथ औरों के प्रति भी शक्तियां इतना जमा करनी है जो औरों को भी सहयोग दे सको। अपना टाइम तो खत्म हो गया, अब औरों का टाइम शुरू हो गया है। सिर्फ सहयोग लेने वाले नहीं, अब क्या बनना है? देने वाले बनना है। जिन्हों को 2 वर्ष भी हो गए हैं, उन्हों के लिए 2 वर्ष भी कम नहीं है। थोड़े टाइम में सब अनुभव करना है। जैसे वृक्ष में दिखाते हो ना, लास्ट आने वाली आत्मा भी 4 स्टेजेस से पास जरूर होती है। लास्ट में जो आत्मा आती है उसको भी सतो प्रदान, सतो रजो तमो 4 अवस्थाओं में से गुजरना होता। फिर चाहे 10-12 जन्म भी हों या कितने भी हों, पीछे आने वालों को भी थोड़े समय में सर्व शक्तियों का अनुभव करना ही है। आएंगे तो वो लास्ट में, परंतु उस थोड़े से समय में वो सारी शक्तियों को अपने में अनुभव करेंगे। स्टूडेंट लाइफ का भी और साथ साथ सेवाधारी का भी क्या अनुभव करना है? स्टूडेंट लाइफ भी उन्होंने अनुभव करनी है और साथ साथ उन्होंने सेवाधारी का भी अनुभव करना है। सेवाधारी को सिर्फ कोर्स कराना या भाषण करना नहीं है। हम सेवाधारी हैं, कोर्स करा देंगे, भाषण कर देंगे, नहीं, ये काम कोई बड़ी बात नहीं है। सेवाधारी अर्थात सदा उमंग उत्साह का सहयोग देना, खुद भी उमंग उत्साह में रहना, औरों को भी उमंग उत्साह में लाना, शक्तिशाली बनाने का सहयोग देना। थोड़े समय में सर्व सब्जेक्ट्स पास करने हैं, इतना तीव्र गति से करेंगे, इतना तीव्र गति से करेंगे तब तो पहुंचेंगे ना। इसलिए 1-2 का सहयोगी बनना है, 1-2 के योगी नहीं। क्या अंतर है दोनों में? 1-2 का सहयोगी बनना है, 1-2 का योगी नहीं। क्या मतलब इसका? सहयोग देना, योगी नहीं बनना है भाई। एक दो का सहयोगी बनना है, 1-2 के योगी नहीं। योगी माना योग मतलब जुड़ना, हाँ, सिर्फ 1-2 से नहीं जुड़ना। याद का मतलब क्या है? स्मृति, कहना मानना, कहना मानना, 1-2 का कहना नहीं मानना, कहना सिर्फ मेरा मानना, उनका सिर्फ सहयोगी बनना, मेरे डायरेक्शन का उन्हें सहयोग देना है। 1-2 के योगी नहीं बनना, कहीं उनका कहना मानना शुरू कर दो, ये नया नया आया है चलो इसको थोड़ा प्यार दें, इनका कहना माने, ये करें, नहीं, कहना मेरा मानना और सहयोग उनको। बात समझ रहे हैं? चलाकी समझ रहे हैं ना? सावधानी भी, चलाकी भी, सब कुछ समझ में आ रहा है ना? 1-2 से योग लगाना नहीं शुरू करना, चलो वो मेरा कहना मानता है तो मैं भी उसका कहना मानना शुरू कर दूं, नहीं। सहयोगी आत्मा सदा सहयोग से बाप के समीप और समान बना देती है। उनको बाप के क्लोज करना है, समीप लाना है, बाप समान बनाना है। आप समान नहीं, अपने जैसा नहीं बनाना उनको, हाँ, लेकिन बाप समान बनाना है। जो भी अपने में कमजोरी हो उनको यहां ही छोड़कर जाना, मधुबन में, विदेश में नहीं ले जाना उसको वापस।
शक्तिशाली बनना है, बनाना है। यही विशेषता दृढ़ संकल्प सदा स्मृति में हो, सदा स्मृति में हो, याद रहे। अच्छा, चारों ओर के सभी बच्चों को विशेष स्नेह संपन्न याद प्यार दे रहे हैं। सदा स्नेही, सदा सहयोगी और शक्तिशाली ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। सभी को ये खुशी है ना कि वैरायटी होते हुए भी एक के बन गए। कोई कहां से आया, कोई कहां से आया, कोई कहां से आया, सारे किसके बन गए, एक के बन गए। अभी अलग अलग मत नहीं है, एक ही ईश्वरीय मत पर चलते हैं, चाहे वो किसी देश से आए हैं। ईश्वरीय मत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ब्राह्मणों की भी भाषा एक ब्राह्मणों की भाषा भी क्या होती है, एक ही है। एक ही बाप के हैं और बाप की नॉलेज औरों को भी दे, सर्व को एक बाप का बनाना है, सबको एक बाप का बनाना है। कितना बड़ा श्रेष्ठ परिवार है आपका, कितना बड़ा परिवार है सोचा है कभी, कितना बड़ा परिवार है। जहां जाओ, जिस देश में जाओ, तो ये नशा है कि हमारा अपना घर है, बाबा का घर सो अपना घर है। सेवा स्थान अर्थात अपना घर, ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसके इतने घर हों। समझ में आई है बात, कितने घर हैं आपके, अनगिनत। कौन गिनने बैठे, दिमाग खराब करे थे ना। 140 देशों में और बाकी देशों में गुप्त रीति से ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसके पास इतने घर हो। अगर आप लोगों से कोई पूछे आपके परिचित कहां कहां रहते हैं, तो कहेंगे कहां रहते हैं, सारे वर्ल्ड में, हर देश में होंगे किसी के परिचित, सब देशों में हाँ? सच होंगे किसी के, हमारे कोई देश ऐसा नहीं है जहां हमारा परिचित ना, सेंटर ना। जहां जाओ अपना ही परिवार है। कितने बेहद के अधिकारी हो गए, सेवाधारी हो गए। सेवाधारी बनना अर्थात जिम्मेदारी किसकी होगी, ये हद की। ये बेहद की रूहानी खुशी है। अभी हर एक स्थान अपनी शक्तिशाली स्थिति विस्तार को प्राप्त हो रहा है। पहले थोड़ी मेहनत लगती है, फिर थोड़े एग्जाम्पल बन जाते हैं। फिर थोड़े एग्जाम्पल बन जाते तो उनको देख दूसरे सहज आगे बढ़ते रहते हैं।
बाप दादा सभी बच्चों को यही श्रेष्ठ संकल्प बार बार स्मृति में दिलाते हैं, क्या कि सदा स्वयं भी याद और सेवा के उमंग उत्साह में रहो, खुशी खुशी से आगे तीव्र गति से बढ़ते चलो और दूसरों को भी ऐसे ही उमंग उत्साह से बढ़ाते चलो, और चारों ओर के जो साकार में नहीं पहुंचे, जो अपने अपने देश में बैठे हैं साकार में नहीं पहुंचे, उनों के भी चित्र और पत्र सब पहुंचे हैं, सबके रिस्पॉन्ड में बाप दादा सभी को पद्मा पदम गुणा दिल से याद प्यार भी दे रहे हैं। जितना अभी उमंग उत्साह खुशी है उससे और पदम गुना बढ़ा, इतनी खुशी से खुश नहीं है, इस खुशी को और पदम गुना बढ़ाओ। कोई कोई ने अपनी कमजोरियों का समाचार भी लिखा है, उन्होंने के लिए बाप दादा कहते हैं लिखा अर्थात बाप को दे दिया, लिखते ही बाप को दे दिया, दी हुई चीज फिर वापस नहीं लेना, काम विकार को छोड़ दो, क्रोध को कहते नहीं, लोभ को छोड़ दो, बाप को दे दिया, दी हुई चीज फिर कभी वापस लेते हैं, अपने पास नहीं रखी जाती। कमजोरी दे दी फिर उसको संकल्प में भी नहीं लाना, जो कमजोरियां आपने बाबा को दे दी अब उनको फिर याद नहीं करना। तीसरी बात, कभी भी किसी भी स्वयं के संस्कार व संगठन के संस्कारों व वायुमंडल की हलचल से दिल शिकस्त नहीं होना, मैं नहीं जीत सकता, मैं नहीं जी सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। जब उसने ये संकल्प शुरू करना किया तो अनुभव कर देगा पीछे वो सब बाद में क्या बनता है, वो सदा बाप के कंबाइंड रूप में, सदा बाप के साथ कंबाइंड रूप में अनुभव कर दिल शिकस्त से, दिल शिकस्त होना माना मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकता, तुम कर सकते। हिसाब किताब चुकत हुआ अर्थात बोझ उतरा, उड़ते रहो और उड़ाते रहो, खुशी से पिछले बोझ का भस्म करते जाओ, बाप दादा के सदा बाप दादा सदा बच्चों के सहयोगी हैं। जिसके व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलते हैं तो दो चार मुरली बार मुरली पढ़ो, मनन करो, पढ़ते जाओ, कोई ना कोई पॉइंट बुद्धि में बैठ जाएगी। शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करते जाओ तो व्यर्थ के खाते खत्म होते जाएंगे। समझो बाप दादा की विशेषता, बाप दादा की विशेष प्रेरणाएं चारों ओर, चाहे देश चाहे विदेश में, कोई ऐसे छोटे छोटे स्थान हैं इस समय के प्रमाण साधारण हैं, लेकिन माला माल बच्चे, बच्चे कैसे हैं,
तो ऐसे भी कई हैं जो निमित्त बने बच्चों को अपनी तरफ चक्कर लगाने की आश बहुत समय से देख रहे हैं, लेकिन बाप दादा तो ऐसे भी कई हैं जो निमित्त बने बच्चों को अपनी तरफ चक्कर लगाने की आशा बहुत समय से देख रहे हैं, लेकिन आशा पूर्ण बाप दादा याश भी क्या कर रहे हैं, पूरी कर रहे हैं। विशेष महारथी बच्चों को प्लान बनाकर दे रहे हैं, आशा के दीपक जगाने वाले जगाने के लिए जिन्हों की आशा के दीपक बने हुए रखे हैं वे जगाने जाना है। जिन्हों की आशा के दीपक बने हुए रखे हैं वो जगाने जाना है हमें, जो इंतजार कर रहे हैं कि कब भगवान आएगा, कब हमें मुक्ति जीवन मुक्ति देगा। आशा के दीपक जगाने के लिए बाप दादा विशेष समय दे रहे हैं। सभी महारथी मिलकर भिन्न भिन्न एरिया बांट गांव गांव के बच्चे जिन्हों के पास समय के साधन नहीं जा सकते हैं उनकी आश पूरी करनी चाहिए, उनकी आश पूरी करनी चाहिए। मुख्य स्थानों पर तो मुख्य प्रोग्राम्स के कारण जाते ही हैं, कोई बड़ा स्थान है वहां बड़ा प्रोग्राम रख दिया, लेकिन जो छोटे छोटे स्थान हैं उनके यथाशक्ति प्रोग्राम ही बड़े प्रोग्राम है, उनकी भावना ही सबसे बड़ा फंक्शन है। बाप दादा के पास ऐसे कई बच्चों की बहुत समय की अर्जियां फाइल में पड़ी हैं कि बाबा हमें बुला लो, हमें बुला लो, हमें अपना बच्चा ये फाइल भी बाप दादा पूरा करना चाहते हैं। महारथी बच्चों को चक्रवर्ती बनने का विशेष चांस दे रहे हैं, फिर ऐसा नहीं कहना, फिर नहीं कहना सब जगह दीदी जावे दादी जावे, नहीं, अगर एक ही दादी सब तरफ जावे फिर तो 5 साल लग जाएंगे, फिर 5 वर्ष बाप दादा ना आवे ये आपको मंजूर है? फिर 5 वर्ष बाद बाबा ना आवे बताओ ये मंजूर है आपको 5 साल बाबा ना आवे? कौन कहेगा? बाप दादा किसी दिन यहां हो और दादी चक्कर पर जाए ये भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए महारथियों का प्रोग्राम बनाना, जहां कोई नहीं गया है वहां जाने का बनाना, और विशेष इस वर्ष जहां भी जावें तो एक दिन बाहर की सेवा, एक दिन ब्राह्मणों की सेवा, एक दिन ब्राह्मणों की तपस्या का प्रोग्राम, ये प्रोग्राम बनाओ, ऐसा प्रोग्राम जरूर हो। सिर्फ फंक्शन में जाएं भाग दौड़ करके नहीं आना है, जितना हो सके ऐसा प्रोग्राम बनाओ जिसमें ब्राह्मणों की विशेष रिफ्रेशमेंट हो, मतलब ब्राह्मणों की पालना ज्ञान की मिल जाए उनको, और साथ साथ ऐसा प्रोग्राम हो
जिससे वीआईपीज का भी संपर्क हो जाए, शॉर्ट प्रोग्राम हो, पहले से ही प्रोग्राम बनावे जिसमें ब्राह्मणों को भी विशेष उमंग उत्साह की शक्ति की प्रोग्राम देना है, जिसमें ब्राह्मणों को भी विशेष उमंग उत्साह की शक्ति मिले, निर्विघ्न बनने की हिम्मत उल्लास बने भरे, तो चारों ओर के चक्र का भी प्रयोग है। प्रोग्राम बनाने के लिए भी विशेष समय दे रहे हैं, क्योंकि समय प्रमाण सर्कमस्टांस भी बदल रहे हैं और बदलते रहेंगे, इसलिए फाइल को खत्म करना है। अच्छा, आज का वरदान है रूहानियत की श्रेष्ठ सिद्धि द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। अब ये वरदान हमारे जीवन में कैसे आएगा? वरदान क्या है? रूहानियत की श्रेष्ठ सिद्धि हो आपकी, जिसके द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव, ये वरदान दिया है। रूहानियत की स्थिति द्वारा अपने सेवा केंद्र का ऐसा रूहानी वातावरण बनाओ जिससे स्वयं की और आने वाली आत्माओं की सहज उन्नति हो सके, क्योंकि जो भी बाहर के वातावरण से थके हुए आते हैं उन्हें एक्स्ट्रा सहयोग की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हें रूहानी वायुमंडल का सहयोग दो, सहज पुरुषार्थी बनो और बनाओ, सहज पुरुषार्थी बनो और बनाओ। हर एक आने वाली आत्मा अनुभव करे कि यह स्थान सहज ही उन्नति प्राप्त करने का है। स्लोगन, वरदानी बन, शुभ भावना और शुभकामना का वरदान देते रहो। ओम शांति। क्या बनना है हमको? वरदानी बन, शुभ भावना और शुभकामना, हर एक आत्मा को वरदान रूप में देते रहो। शिव बाबा पधारे,